सो फाइनली हम यहाँ से अभी निकल रहे मुंबई के लिए। हमारी फ्लाइट होने वाली पहले हो ची मिन्ह टू हनोई, हनोई टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू ट्रेन होगा हमारा मुंबई का। तो ये पूरी जर्नी आपको दिखाऊंगा। और मैं ना यहाँ से ड्रोन भी कैरी कर रहा हूँ, तो इंटरनेशनल अभी हम पहली बार ड्रोन यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि अगर कुछ इशू हुआ या फिर नहीं हुआ, या फिर कैसे लेके आना कैसे नहीं लेके आना, वो सब आपको इस वीडियो के अंदर देखने मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए आखिर तक। सो गाइस यहाँ से अभी ना हमारा नाश्ता करके हो गया, मतलब ये ब्रंच है, ब्रंच ब्रेकफास्ट प्लस लंच, एक कैसे हमारे ड्रोन को हम मुंबई तक लेके जाते हैं। हमारा अभी यहाँ से हमारी फ्लाइट के लिए हम अंदर जाने वाले, लाइन देख सकते हो कितनी बड़ी लाइन है। यहाँ से डेढ़ घंटे की फ्लाइट है। सक्सेसफुली हमने ड्रोन को बाहर लाया है, किसी को पता नहीं चला। तो गाइस हमारी जर्नी यहाँ से अभी स्टार्ट हुई है मुंबई के लिए। सो फाइनली हम यहाँ से अभी निकल रहे मुंबई के लिए, पर हमारी फ्लाइट होने वाली पहले हो ची मिन्ह टू हनोई, हनोई टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू ट्रेन होगा हमारा मुंबई का। तो ये पूरी जर्नी आपको दिखाऊंगा। और मैं ना यहाँ से ड्रोन भी कैरी कर रहा हूँ, तो इंटरनेशनल हम पहली बार ड्रोन यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि अगर कुछ इशू हुआ या फिर नहीं हुआ, या फिर कैसे लेके आना कैसे नहीं लेके आना, वो सब आपको इस वीडियो के अंदर देखने मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए आखिर तक। सो गाइस फाइनली हम ना यहाँ पे आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर, और यहाँ पे लगी है चेक इन के लिए लाइन, देख सकते हो यहाँ पे जस्ट अभी हमारा नंबर आने वाला है। तो हमारे ये सब बैगेज है जो अभी हमें यहाँ पे चेक इन करना है। वैसे तो हमने 20 kg बाय तो कर लिया है, पर लेट्स सी अभी आगे देखते हैं बैगेज का एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे ना VHJet का ना बहुत बड़ा इशू है। आपके पास अगर वेट आपका 7 kg या फिर 5 kg से अबव हो गया बैग का, तो आपको अलग से लोग का पैकेजेस रहता है, जैसे कि 20 kg का 3000 रहेगा, फिर 20 to 30 kg का, 21 to 30 kg का और अलग पैकेज रहेगा। तो वो पैकेजेस आपको बताएंगे और आपको लेना पड़ता ही है, अगर नहीं लोगे तो आपको आपका सामान आगे नहीं जा सकता। तो ये एक है जो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा, मतलब क्या पैकेजेस का चार्जेस है, तो चलिए देखते हैं आगे। वैसे हमने इस फ्लाइट के लिए तो लाइक दोनों के लिए 20 kg का 734 rupees का पैकेज लिया है, जो कि ऑलमोस्ट 1500 हो गया है, पर वो हमें मुझे लगा कि अच्छा है इसलिए मैंने वो ले लिया है। लेट्स सी। सो गाइस फाइनली हमें हमारे टिकट्स मिल चुके हैं, और ये देखिए। सो यहाँ से हमें जाना है गेट फाइव फर्स्ट फ्लोर। सो यहाँ से जाना है अंदर, और फिर वहाँ पर हम हमारे जो ये बैग है और ये जो हमारी शोल्डर में जो बैग है उसके अंदर के सब एक्सेसरीज को हम वहाँ पे रख के स्कैन करेंगे। तो चलिए जाते हैं अभी अंदर। तो गाइस अभी जस्ट वहाँ से पूरा सिक्योरिटी चेक करके हम अभी यहाँ पे शूज़ पहन रहे हैं, क्योंकि पूरा सामान लोड करके फिर लोड करने के बाद अभी आगे जाएंगे गेट नंबर 5 पे जो फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे देखेंगे कुछ खाने के लिए और कुछ मिलता क्या, और थोड़ा खाएंगे और फिर उसके बाद जाएंगे हमारे फ्लाइट में। छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, यहाँ पे ना आपको मतलब मुझे तो कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, मैंने ड्रोन लाया, मतलब डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक आप घूम सकते हो, पर इसके पहले भी हनोई टू जाना ये हमने फ्लाइट ली थी, उसमें भी कुछ इशू नहीं हुआ था, ये वाले फ्लाइट में भी इशू नहीं हुआ। मतलब आगे देखते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट में हमारे ड्रोन को कुछ इशू होता कि नहीं। बाकी यहाँ का अभी देखिए क्या क्या है ऑप्शन, बर्गर किंग, वाओ यहाँ पे बर्गर किंग है, ये क्या है, डबल चिकन क्रिस्पी विथ चीज़, वाओ 2222। लेट्स सी। सो गाइस अभी हम ना फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, जहाँ पे ना यहाँ पे हम ना अभी बैठ के ना सामने देखिए एक कॉफ़ी एंड केक करके ऑप्शन है, वहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो। तो हमने उसमें से ना ये लिया है रोस्टेड चिकन थिक ब्रेड, तो ये 55 kg का जो यहाँ पे भी बन रहा है हमारा, आप देख सकते हो। और हमने ना ये भी सोचा था कि ये चीज़ पिज़्ज़ा जो कि 110 है, पर 110 का चीज़ पिज़्ज़ा खाने से अच्छा है कि रोस्टेड चिकन थिक ब्रेड, वो दो ले ले। तो अभी एक ट्राई करें फिर एक और एक लेंगे। तो लेट्स सी यहाँ का ये कैसा ऑप्शन है, बाकी आगे देखते हैं यहाँ की टेस्ट कैसी है, ये अच्छी होनी चाहिए मोस्टली। तो लेट्स सी। सो गाइस ये जो हमने ऑर्डर किया था ये ऑप्शन है, टेस्ट में मस्त है। हमने एक ऑर्डर किया था, अभी दूसरा ऑर्डर कर रहे हैं, और साथ में कोक, मतलब सच्ची में पैसे वसूल लिए, रिकमेंडेड है आप ले खा सकते हो यहाँ पे, मस्त है। सबसे बड़ी बात आपको ये
यहाँ पे मिलेगा कुछ 187 रुपीस का, मतलब 55K। हमारे यहाँ के एयरपोर्ट पे आपको स्टार्टिंग प्राइस मिलेगी 400-500 के साथ, तो सोचिए 500-400 और ये 180, मतलब कितना पर होता है हमें खाने में। तो ज़रूर यहाँ पे अगर आप आओगे तो एयरपोर्ट पे ट्राई करना, एयरपोर्ट का भी फूड अच्छा है, सस्ता है। सो गाइस यहाँ से अभी ना हमारा नाश्ता करके हो गया, मतलब ये ब्रंच है, ब्रंच ब्रेकफास्ट प्लस लंच एक टाइप का हो सकता है, पूरा थोड़ा सा हैवी हो गया। अभी हमारे ना यहाँ से जो फ्लाइट है 11:30 बजे, अभी बजे 10:45, मतलब 10:50 हो गए। अभी यहाँ से हम जाएंगे फ्लाइट के अंदर और उसके बाद वो फ्लाइट हमें 1.5 घंटे बाद वहाँ पर पहुँचाएगी हनोई में। उसके बाद हमारी फ़्लाइट है रात को 8:00 बजे, मतलब 7:50 को, फिर मुंबई जाएंगे रात को 12:00 बजे। तो ये पूरी जर्नी है, लेट्स सी कैसे हम जाते भी अंदर और कैसे हमारे ड्रोन को हम मुंबई तक लेके जाते हैं। हमारा अभी यहाँ से हमारी फ़्लाइट के लिए हम अंदर जाने वाले, लाइन देख सकते हो कितनी बड़ी लाइन है। तो ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, कहाँ से जाना है। यहाँ से अभी हमारी एंट्री हो चुकी है, जा रहे फ़्लाइट के अंदर। यहाँ से 1.5 घंटे की फ़्लाइट है और सामने देखिए वो रही हमारी सामने फ़्लाइट, देख सकते हो। तो गाइस फ्लाइट के अंदर हम अभी आ चुके हैं और ये देखिए कुछ फ्लाइट इस तरह है, बहुत बड़ी फ्लाइट है ये, तीन, मतलब पूरे 9 के रो में, बाकी बाप रे बहुत बड़ी फ्लाइट है। चले बैठते अभी जगह पे। फाइनली यहाँ पे हम हनोई में और पूरा ना क्लाउडी है यहाँ पे, मतलब फॉग दिखेंगे आपको बाहर, आपने फ्लाइट के वीडियोस देखे रहेंगे, पूरा ना फॉग था ऊपर और नीचे भी फॉग था। तो इतना यहाँ पे और क्लाइमेट कुछ 20 डिग्री यहाँ का अभी टेम्परेचर है। थैंक यू। ये फ्लाइट बहुत बड़ी थी और इसमें ना लाइक रहिए तीन एक ही लाइन में 9 लोग और ऐसे कुछ ज़्यादा ही लोग थे। सो गाइस फाइनली हम ना एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं और यहाँ से ना हमें शटल बस लेना है T2 और ये T1 है। सो T2 में हमें जाना है और अभी हम जा रहे हैं आगे, कोई एक शटल बस स्टॉप है वहाँ पे, तो देखिए। सो गाइस अभी हम जस्ट यहाँ से शटल बस से उतरे हैं और बाहर का क्लाइमेट देखिए, थोड़ा सा फॉगी है और यहाँ पर ठंडा भी हो रहा है बहुत क्लाइमेट। तो देखते हैं ट्रॉली लेके एक, तो पहले भी ए बैग जाएगी और उसके बाद फिर ये वाली बैग जाएगी बड़ी। चलो सो गाइस फाइनली ना अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, ये हनोई से फाइनली बाय करके हम जा रहे हैं, बाय 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 हनोई, तो बाय बाय वियतनाम ऑल्सो। तो यहाँ से भी हम जाने वाले हैं, हमारी फ्लाइट है कुछ और 5-6 घंटे बाकी है, हम इधर ही 5-6 घंटे पर एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। तो यहाँ से भी अंदर जाने के बाद फिर आपको यहाँ का बाहर का व्यू दिखा नहीं सकता और जो भी देखेगा वो रात को व्यू दिखेगा जो हम फ्लाइट में रहेंगे। हमारा फ्लाइट है कुछ 7:55 का, मतलब 8 का है। तो बहुत सारी यहाँ की यादें लेके जा रहे हैं और आपने वो पूरी जर्नी देखी रही हमारी, तो बहुत इन्जॉय किया और होप सो अगर भगवान ने चाहा तो आगे भी हम ऐसे एंजॉय करते रहेंगे, आगे भी ऐसे घूमते रहेंगे। तो ये वीडियो ना आप पूरा देखिए, ये इस वीडियो में मैं यहाँ से कैसे आगे जा रहा हूँ, कैसे यहाँ से मैं ड्रोन लेके जा रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। तो चले जाते हुए अंदर। 6:20 और हमारी 7:50 की फ़्लाइट है और अभी हमें जाना है अंदर, जो सिक्योरिटी चेक है वो करने के लिए यहाँ पे।
सो गाइस फाइनली हम ना अभी अंदर आ गए सिक्योरिटी चेक करके, और हमारी फ़्लाइट जो है वो 7:50 की है और अभी ऑलमोस्ट 7:30 हो गए, तो या 6:30 हो गए तो अभी यहाँ पे 6:30 हो गए। और अभी एक 7:15 वाली एक मुंबई की फ़्लाइट थी, पर वो हमें ना एक्चुअली मतलब हम जब बुक करने गए थे अभी वो ऑलमोस्ट फुल हो गई थी, तो हमने सोचा कि चलो अहमदाबाद से करेंगे। तो अहमदाबाद से अभी हमारी जर्नी है जो कि हनोई से अहमदाबाद। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट में, अभी तक तो हमारा जो फ्लाइट है वो प्रॉपर, तो चेकिंग के लिए लाइन लगी है वहाँ पे, एंट्री हो रही है हमारी फ़्लाइट के अंदर। तो यहाँ पे पहले हमें चेक करना है, पासपोर्ट दिखाना और टिकट दिखाना, फिर अंदर जाएंगे। सो गाइस यहाँ से अभी हम जाने वाले हैं हमारी फ़्लाइट के अंदर, और अभी तक तो हमें मतलब जो ड्रोन का जो इशू था ना वो मुझे लगता नहीं कहीं पे रहेगा। आगे मुंबई में जब पहुँचेंगे तो आपको बताऊँगा कि वहाँ पे कुछ इशू है क्या, क्योंकि मोस्टली तो नहीं होना चाहिए जितना भी हमने अभी तक जो देखा है उसके हिसाब से। तो मुंबई में इतना कुछ इशू, मुंबई नहीं अहमदाबाद में इतना कुछ इशू होगा नहीं, लेट्स सी, उसके बारे में मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। तो मिलते हैं फ़्लाइट के अंदर अभी। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं अहमदाबाद, और यहाँ के 12:30 बजे और वहाँ का क्या टाइम था, 1:45, तो वियतनाम का 1:45। सो गाइस फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अहमदाबाद के एयरपोर्ट के यहाँ पे, और ये देखिए ये कुछ इस तरह एयरपोर्ट है, और सामने वहाँ पे हो रहा है कस्टम्स का चेकआउट, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, वहाँ से हम लोग आए। और अभी यहाँ से थोड़ा सा फ्रेश होके फिर जाना है, हमारा कुछ 4 बजे का ट्रेन है, 4, और अभी यहाँ पे बजे 1, तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए 1 घंटा मैक्स 1 घंटा रहेगा हमारा, मतलब जो इंडियन रेलवे का जो है वहाँ पे, और फिर वहाँ से 4 बजे की ट्रेन, तो हमें जाने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो लेट्स सी हम कितना टाइम है वहाँ पर पहुँचते करके। तो सीरीज सो गाइस फाइनली ना हम यहाँ पे आ चुके हैं एयरपोर्ट के बाहर, आप देख सकते हो, और सक्सेसफुली हमने ड्रोन को बाहर लाया है। किसी को पता नहीं चला कि ये ड्रोन हमने कैरी किया था, ये अपने बैग थी जो अपने साथ थी, और उसको स्कैन किया तभी उन्होंने पूछा कि इसमें क्या है, दारू की बॉटल है तो हमने बोला दारू की बॉटल हमने लिए, हमने कुछ लिया ही नहीं ऐसा कुछ, दारू की बॉटल ऐसा कुछ, तो बाद में नहीं। तो वही हमारा अभी फाइनली ये सब लगेज बाहर आ चुका है, और अभी यहाँ से जाने वाले अहमदाबाद जंक्शन, अहमदाबाद के लिए हमारा अभी कार आने वाला है, ऑन द वे है। सो गाइस फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं दादर में, यहाँ से अभी हमें जाना है घर पे, पर ये ब्लॉग यहीं पे था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।